बहुत लोगों का ये है कि थक गए। अरे भाई, जब बाहर रहते हो तब भी थक जाते हो, घर आते हो घर में भी थक गए, बैठे बैठे थक गए, सोते सोते थक गए, कुछ नहीं करते थक गए, कर कर के भी थक गए। ये थकान सिर्फ शरीर में हो तो वो विश्राम से दूर हो जाता है, मगर थकान मन में होता है ना, वो आसानी से निकलता नहीं है। उसके लिए हमें मन को समझना पड़ेगा। आपको क्या तकाता है पता है? आपकी महत्वाकांक्षा। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये महत्वाकांक्षा आपको थका देता है। और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा आपको थका देता है। और प्रतीक्षा करते रहते हैं जीवन, मुझे ये हो जाए वो, ये प्रतीक्षा भी थका देता है। तो आपको एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, वो आपकी मृत्यु। आपको ये याद रखना है, एक दिन तो मर ही जाएंगे, सब पाके भी मर जाएंगे, बिना पाके भी मर जाएंगे। और जब तक जी रहे हैं इस तरह के मन में महत्वाकांक्षा को लेके अपने आप को दुखी क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा महत्वाकांक्षा नहीं रखना चाहिए, रखो, मगर महत्वाकांक्षा कैसे होना चाहिए पता है? अभी रेनकोट पहनते हैं, बाहर जाते हैं रेनकोट पहनते हैं, छाता लेके बाहर जाते हैं, छाता लेके कोई नहीं ना था। तो इस तरह से आप अपनी इच्छाओं को देखिए, इच्छा ही जीवन नहीं, इच्छा जरूर रख लीजिए, मगर उसको जूते जैसे, कोट जैसे, जब चाहे तब पहन लिया, जब चाहे उसको उतार के रखा। ऐसा ना करें तो नींद हैरान हो जाता है, आप सोएंगे नहीं, नींद नहीं आती है। कितनी सारी आपकी इच्छाएं पूरी हुई है ना, इच्छाएं पूरी होने के बाद आप कहाँ होते हो? वहीं होते हो जहाँ आप थे वो इच्छा उठने से पहले। इच्छा ही जीवन करके पकड़ के बैठे ऐसे मरी जाते हैं लोग। मृत्यु जीवन में निश्चित है, इसका जरा सा झलक भी आपको शांत कर देगा, प्रसन्न कर देगा। जब हम इच्छा में जूझते हैं तब खुशी नहीं होती, और सारी इच्छाएं खुश रहने के लिए है। मान लो आपकी इच्छा पूर्ति होगी और खुशी नहीं मिलेगी, आपको पसंद है क्या? नहीं है ना। आप उसके बगैर भी खुश रह सकते हो, इस बात को आप जान लेना। आपका जो ये थकान है, मानसिक थकान, ये दूर हो जाएगा। मानसिक थकान दूर हो जाता है तो आपके भीतर तरलता, सरलता और मृदु भाव, कोमल भाव जागती है।